नमस्कार, मैं मीनू एम एस प्रेम दिशा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं कुछ खास विषय लेके आई हूँ, सुंदरता। तो सबसे पहले तो ये बात जाननी चाहिए, सुंदर कहते किसे, परिभाषा क्या है सुंदरता की। तो जो कि आज के जमाने में हर एक स्त्री या हो पुरुष, दोनों ही सुंदरता के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत करके और ब्यूटी पार्लर जाके और अपने आप को किसी भी प्रयत्न से अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी सुंदरता होती क्या है। तो सुंदरता सबसे पहले अपने मन में जाके है। तो जो इंसान दूसरों की भलाई करता है या अपने किसी भी करीबी या किसी के लिए बुरा नहीं सोचता है, वो असली में और सबका भला सोचता है, वो असली सुंदर है। पहली परिभाषा है सुंदरता की। और दूसरा, हमारी चमड़ी स्वस्थ हो, अगर हम सांवले भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर चमड़ी स्वस्थ होती है यानी शरीर से हम स्वस्थ होते हैं तो वो निखार सांवला भी बहुत सुंदर होता है। जो कि आप जानते हो, कान्हाजी भी बहुत ज्यादा सांवले थे, लेकिन कितने खूबसूरत थे, कितनी गोपियां उनके पीछे भागती थी। तो इसका मैं इसीलिए ये टॉपिक लेके आई हूँ कि जो भी सांवले से भी कलर डार्क है उसका, तो कोई भी निराश ना हो और अपने मन की सुंदरता सबसे बढ़िया है। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि आप प्रयत्न करना छोड़ दें। आप घर का उपटन यूज करिए, घरेलू, जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, मल्टीग्रेन आटे से और शहद से, हनी से तैयार करके, हल्दी मिक्स करके। तो आप घर में तरह तरह के उपटन यूज कर सकते हैं और जिससे कि रंगत अच्छी होगी और निखार आएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि कलर हमारा ब्लैक है और आप प्रयत्न के बाद भी आप कलर साफ नहीं हो रहा है, तो उसमें बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप अपना स्वभाव बहुत ज्यादा सुंदर रखिए, सबकी हेल्प करने वाला, सबके लिए भला सोचने वाला। जो भी भलाई होती है, जो इंसान करता है, उसकी भलाई की चमक उसके चेहरे पे आभा में आ जाती है, उसकी आभा अलग होती है, जो सुंदर अलग से दिखाई पड़ती है। और एक कोरा इंसान है लेकिन दूसरों का बुरा सोचता है या बुराई करने में पीछे नहीं हटता, तो उसके चेहरे की चमक और रंगत बिल्कुल फीकी सी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने आप को निखारिए, अंदर से पहले फिर बाहर से। तो आप पहले अपने आप का अपना आईना अंदर से देखिए कि मैंने कितनों का उपकार किया है, किसी की बुराई तो नहीं की, और मैं कितनी अंदर से स्वस्थ हूँ। तो जो भी आप लिक्विड, आप पानी ज्यादा पीजिए तो स्किन में आपका खून साफ होगा और स्किन ग्लो करेगी। तो सांवला इंसान भी बहुत सुंदर होता है, इसमें बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि आपने कान्हा जी को देखा है कि उनके पीछे कितनी गोपियां भागती थी, तो वो भी तो सांवले ही थे ना। तो इसलिए आप बिल्कुल निराश मत हों, अपने जो अंदर के व्यवहार को कभी खराब ना होने दें, और बाहरी ऊपर जो आप प्रयास कर रहे हैं वो आप लगातार करते रहे। तो घरेलू उपटन है जैसे लगाइए, आप कच्ची मलाई में नींबू डाल के उसका सेवन कर सकते हैं, हल्दी कच्ची उसका सेवन कर सकते हैं, अंदर से भी और बाहर भी लगा सकते हैं। और रही दूसरी बात कि आप जब आप एक अलग नेचर के हैं, सुंदर नेचर के, तो एक चाहे जो भी होगा उसको सुंदर नेचर वाले को ही आदमी पसंद करेगा, ना कि अच्छा सुंदर दिखने वाला और खराब नेचर वाले को। तो मन की सुंदरता, अंदर की सुंदरता बहुत खूबसूरत बना के रखिए, और बाहरी सुंदरता आदमी क्या भगवान भी पसंद नहीं करते हैं, बाहरी सुंदरता, अंदर की जो सुंदरता होती है उसको भगवान भी पूछते हैं, और उससे चमक, अलग प्रकार का ग्लो हमारे अंदर आता है और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर हम किसी के साथ भी अच्छा काम करते हैं तो जो कॉन्फिडेंस की चमक है वो अलग प्रकार की सुंदरता प्रदान करती है। और मैं खाली इसीलिए लेके आई हूँ, जो मेरी भाई बहन जो भी, अगर उनका कलर फेयर नहीं है या देखने में कुछ थोड़े से
तो वो भगवान की मनाई हुई रचना है, लेकिन अपने मन को कभी खराब मत होने दीजिए। वो बहुत ज्यादा बहुमूल्य है आपके लिए। अगर आप अंदर से अपने आप को सुंदर बनाते हैं तो आप विश्व सुंदर हैं, विश्व सुंदरी हैं, विश्व सुंदर हैं, और अपने आप में आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ोगे। और आपको मैं उपाय भी बताती रहूंगी, जो कि आपको अगर जहां भी आप किसी महफिल में जा रहे हैं, या महफिल मींस आप कहीं फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, या लगे कि आपकी फ्रेंड तो बहुत अच्छी दिख रही है, आप नहीं देख रहे हो, लेकिन अपने मन में झांक के आप अपने अच्छे स्वभाव को जरूर देख लेना। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कभी हार नहीं मानना, क्योंकि सांवले रंग पे जो भी कलर जो खिलते हैं वो लाइट पिंक है और लाइट क्रीम कलर है और लाइट ब्लू कलर है। और आप अपने फेस के अकॉर्डिंग फैशन कीजिए, कपड़े पहनिए, और ट्रेडिशनल जो भी ड्रेसें आपको सूट करती हैं वो अपने फेस के अकॉर्डिंग पहनिए। वही सुंदर है जो दिल से सुंदर है। तो आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मैं आगे टिप्स दूंगी। इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ। गुड नाइट, बाय।